न्यूज बायोस्कोप, क्योंकि न्यूज बायोस्कोप की जो टीम है वो पहुंच चुकी है औरंगाबाद, और औरंगाबाद के देव इलाके में हम जानेंगे कि इनके जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ किया है और जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ी जा रही है। तो तमाम दर्शकों के साथ साथ हम देव की तमाम जनता और औरंगाबाद की जनता का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्या लगता है, युवा हैं आप, इस बार आप कौन हैं आपके सांसद? सांसद के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको देव सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में बता सकते हैं। प्लस में वार्ड नंबर 2 के, जो कि मेरा नाम दीपक कुमार है, वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ, और जो कि अभी नली का समस्या चल रहा है, जो कि अभी तक नली 6 महीने पहले भी कंप्लेंट किए थे, अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है जी। यही बात के लिए सोच चेयरमैन आगरा है कि मेरा नाम है, और उसमें जल्द से जल्द जो कि कंप्लेंट को रिजन्यू लिया जाए जी। आपके से क्या लगता है, आपके यहाँ से लोग जाते हैं बाहर वो नौकरी करने? हाँ, नौकरी करने। चलिए, और कोई युवा साथी आइए आइए भाई, ये बताइए कि औरंगाबाद में आपको लगता है कि जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ है? अभी कहाँ हुआ है, विकास कुछ होबे ना किया है जी। अभी देखिए, सत्ता परिवर्तन हुआ बहुत ज़रूरी है, समझे? अभी बीजेपी किसी भी हाल में हमको लगता है कि औरंगाबाद से नहीं आएगा, नहीं आरजेडी आएगा। कौन? आरजेडी से आएगा सीट, आरजेडी से। अब है कुशवाहा अभी निकल रहा है आरजेडी से, औरंगाबाद टाइट है। हाँ, मोहर टाइट है। हरा रंग पहने हुए भी लगता है आरजेडी के आदमी है। कह रहे हैं कि गारंटी है 400। इधर आइए, युवा है आपके पास, आपके पास कलम भी है, इधर आइए इधर आइए। युवा है, कलम भी है, ये बताइए कि क्या रोजगार को लेकर के आपके सांसद कभी प्रतिनिधि सोचते हैं, नेता सोचता है? क्या हम बताएं आपको, सोचने से कैसे काम चलेगा, क्या चाहिए? चलिए तो फरार हो गए, सरकार चाहिए। इधर आइए इधर आइए आइए ना जी, इधर आइए। हाँ, नहीं कुछ नहीं। अरे आरजेडी ऐसी है। अच्छा, चलिए आप ही से बात करते हैं। आप ये बताइए कि इस बार क्या लगता है, पूरे 40 में कितना मिलेगा? 40 में देखिए, हर जगह तो हमको लगता है कि अभी सत्ता परिवर्तन होगा और आरजेडी अभी निकलेगा। आरजेडी निकलेगा तो देश में सरकार के कौन बनाएगा? क्या सरकार? अभी राहुल गांधी की सरकार बनेगा। सर सर सर, चाबी लगाने से पहले जरा आप भी बता दीजिए, इस बार क्या लगता है, जनता का मूड किसके तरफ है? जनता का मूड किसके तरफ है? हाँ, मोदी जी के तरफ कि राहुल गांधी के तरफ? मोदी जी के तरफ है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी काम किए हैं इसलिए। और कैसे मोदी जी काम किए हैं? 370 मोदी जी काम किए हैं। कैसे किए हैं? 75 मोदी जी 370 हटा दिए। 370 हटा दिए, 370 हटा दिए। देखिए भाई, तो कह रहे 370 हटा दिए, चेंज हो जाएगा औरंगाबाद जिला में, चेंज हो जाएगा सरकार। 370 हटा दिए, और जितना युवा है उसको रोजगार मिल गया, से बताइए क्या करनी, बिर कर दिए हो जाएगा जवान, और 17 साल के नौकरी तो पट कर दिया था, 4 साल करके अग्नि दी, 4 साल कर दिया अग्नि बीर के, क्या जरूरी है, कमा खा लेगा, क्या लगता है 4 साल को बढ़ा देना चाहिए अग्नि बीर में? हाँ, अग्नि बीर में तो थोड़ा सा हम भी इसके बारे में तो समझ कह सकते हैं कि इसका इस बात है कि बढ़ जाना चाहिए 4 साल के लिए। आप जरा साहब, और जरा सा इनका भी देख लीजिए भाई, यहाँ पर अब जो है अंकित, मोमोज, मोमोज का कल्चर बहुत बढ़ गया है आजकल, गोल गप भाई, गरम गरम। ये बताइए कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा माहौल? माहौल कुछ चलता है, और क्या सो माहौल तो जो है सो है, नरेंद्र मोदी जी को सब चाहते हैं। अच्छा, सब चाहते हैं। और आपके सांसद से क्या चाहते हैं? सांसद जी के तो बारे में क्या बताया जाए, नहीं बता दीजिए क्या बता, सांसद जी के बारे में हम लोग क्या बताएं? आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? क्या नाम है आपके सांसद का? सुशील सेन। इधर इधर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि आपके संसदीय क्षेत्र में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ अभी तक? एकदम बदलाव होना चाहिए, इस बार एकदम बिल्कुल बदलाव चाहता है लोग,
और चाहेगा वो होना ही चाहिए। कैसा बदलाव, कैसा बदलाव? जैसे जरा कैमरा के सामने से, हाँ, जैसे सामाजिक सेवा जैसे भी है, जैसे रोजगार है, जैसे शिक्षा है, उस पर बदलाव होना चाहिए। ठीक है, जिस पे सुशील मोदी को ध्यान ना है। अच्छा, इस पर ध्यान होना चाहिए। हाँ, सामने से, हाँ, समझ गया। अच्छा, हालांकि ध्यान होना चाहिए, इस पर बदलाव होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है? अच्छा होना चाहिए। कैसा हो सांसद? बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव हमारे बिहार में कुछ नहीं हुआ है, ना हम लोग का रोजगार है, ना आज तक चाहिए रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, रोजगार एक ठो भी नहीं है। रोजगार रहता तो दिल्ली बम्बे आदमी नहीं जाता, दिल्ली बम्बे आदमी नहीं जाता। हाँ, एक नौकरी होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। नहीं है, दिल्ली बम्बे लोग नहीं जाता। कंपनी 100 रुपए किलो, एकदम बिल्कुल 100 रुपए किलो है ना। इंडिया गेट खाते है काजी, 100 रुपए किलो है। इंडिया गेट खाते है, इंडिया गेट अभी है। मंसूरिया खाते सर, एकदम बिल्कुल सर, मंसूरिया खाते हैं। सौ आलू पच अभी बिक रहा है। आलू तो 20 रुपए कल भी था, परसों था। तो 20 रुपए था अभी ना था, और 2 महीना पहले तो 10 रुपए किलो था। और चावल महंगाई का, जी जी जी, महंगाई का बना। और चावल था 20 रुपए किलो, आज 40 रुपए किलो हो गया। चावल जी, शुगर भी होता जी सर, आदमी चावल ही नहीं खाए। बिहारी है। अच्छा, बिहारी चावल, हाँ, बिहारी जब चावल नहीं खाएगा तो कौची जिएगा। क्या बात, एकदम एकदम बिल्कुल। हाँ, चावल नहीं तो कुछ भी नहीं। ये बताइए कि आपके स्थानीय सांसद से कितनी उम्मीदें थी, क्या हुआ? उम्मीदें तो बहुत थी, बहुत थी, लेकिन हमको लगता है कि 0 पॉइंट पर है सांसद का जो काम है। हाँ, तो इस बार की चौवा मार देंगे। अब कहने के लिए तो लोग कहते हैं, लेकिन पब्लिक के हाथ में है। हाँ, सबसे बड़ा बात तो है कि बोलिंग हम करना है, चौवा मारे किसी और कर मार के मार देगा। सबसे पहले तो ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में 5 साल के बाद हर बार चुनाव आता है, इसलिए कि हम अपने मन का जो काम करेंगे उनको चुनेंगे, जो नहीं है उसको आउट करेंगे। तो यहाँ की देव की जनता चाहती है बदलाव, लगभग सभी लोग बदलाव चाहती है। क्या जनता बदलाव चाहती है? एक सवाल का जवाब लगभग जिनको आता है सब जरूर दीजिएगा। इस बार का मुद्दा क्या है का? अभी तो चुनाव के बारे में कुछ नहीं विशेष बता सकते। विशेष नहीं बदलाव, मुद्दा क्या है? बदलाव चाहिए। हाँ, मुद्दा चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान। हाँ, मंदिर मस्जिद। अच्छा, अब हिंदू मुसलमान। हाँ, यही मुद्दा चल रहा है। हाँ, होना चाहिए रोजगार, शिक्षा, यही सब होना चाहिए। मगर ये सब जो है से कोई चैनल वाला कर ही नहीं रहा है, सब सब के सब। ये बता, पहले और अब में कितना फर्क बदला है औरंगाबाद में? फर्क तो बदला है, ऐसा बात बदला है। क्या क्या चीजें हुआ? बिजली, सड़क, पानी, बदला हुआ है। धत्य राखी तो भाग गए। अरे आइए भाई, मैदान मत छोड़िए। बदलाव होता तो बहरा सरा नहीं होता। यहाँ पे क्या बदलाव लोक रहा है आपको? अभी तक में कुछ लोक रहा है, बस ये बन रहा है तो पैसा, सबका पैसा पैकेट में आ रहा, फंड किसके लिए आपको? सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे। नहीं, भ्रष्टाचारियों को पाल रहे हैं, पाल रहे हैं। हाँ, खाली नीचा वर्ग के लोगों को जो है सिर पे पकड़ रहे हैं। रोजगार नहीं मिलेगा तो भर सारे ना होगा, लेकिन युवा का 4 साल वहाँ पढ़ लिख कर सब तो खाली ईटा पखल काम कर रहा है, न रोजगार